नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज दो स्टॉक पिक्स हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और जानेंगे कि प्राइस एक्शन की टूल से क्या संभावनाएं नजर आ रही है प्राइस चार्ट के ऊपर में, और दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में दोस्तों, हमारा जो हिंदी का पॉडकास्ट है उसको एक बार रेफर जरूर करिए। क्रिप्टो करेंसी, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर में डिस्कशंस वहां पर हम करते हैं। साथ ही में क्रिप्टो करेंसीज के लिए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में रुचि रखते हैं या उसमें और इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो इंग्लिश का हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज के टॉपिक्स लेते हैं। आइए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, और दो स्टॉक पिक्स जो हमने आज चुने हैं उसमें से ये पहला जो है वो है SBI कार्ड का। SBI कार्ड का ये हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि पिछले साल ही इसका IPO आया था SBI कार्ड का, उसके बाद में हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि ये अपवर्ड मूव में है, जबकि शुरुआत में IPO आते बराबर ही एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद में अभी ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम से ये कंफर्म कर ले रहे हैं कि स्टॉक जो है वो काफ़ी बुलिश है, राइट। आजकल तो हर एक स्टॉक बुलिश ही नज़र आ रहा है, स्टॉक मार्केट में तेज़ी है और वो भी और ज़्यादा बरकरार रहेगी, ऐसा हमने डिस्कशंस किए हैं पिछले हफ्ते में ही। ये अब हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, राइट। अब डेली टाइम फ्रेम में क्योंकि हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखना है, तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन्स का यूज़ करेंगे और लेवल्स को मार्क करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर एक है तो वो देखिए इस प्रकार से हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही में और एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पर निकालूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रहेगा, वो है ये ट्रेंड लाइन। अब इसको थोड़ा हम फाइन ट्यून कर सकते हैं हमारे हिसाब से, इसको हम इस प्रकार से भी नीचे की तरफ रख सकते हैं, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रख देता हूँ। देखिए, ट्रेंड लाइन निकालने का कोई एक ही तरीका सही है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बस वो एक एरिया देखना है जहाँ पर कि आपको कुछ वैल्यू नज़र आए। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन्स हमने दो निकाल ली है। अब ये दोनों जो ट्रेंड लाइन्स है इनकी हम लेवल्स भी मार्क कर लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है दिस इज़ एट 909, यानी अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 910 पे हम इसको रख सकते हैं। 910 का ये ट्रेंड लाइन है, एंड दिस इज़ अ इंक्लाइन ट्रेंड लाइन जिसका कोई लेवल नहीं है, बट ये मार्क कर रहा है सपोर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, और अभी फिर से एक बार यहाँ पर हमने 5 बार देखा है प्राइस ने सपोर्ट लिया है, प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा है इस ट्रेंड लाइन के। और वैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन है 910 वाला, उसका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाया और वहीं से यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ। और अब यहाँ पर इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है और यहाँ तक अभी प्राइस नीचे नहीं आया है, और इस ट्रेंड लाइन को उसने यहाँ पर मीट करके वहीं पर वो ऊपर जा रहा है, राइट। तो इसको हम और थोड़ा जूम अगर करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या ये जो बाउंस है सपोर्ट लाइन से वो अभी एस्टेब्लिश हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर प्राइस आया, उसके बाद में कल के दिन में ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी और आज एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जो कि बुलिश ही समझ सकते हैं आप। भले ही कैंडल रेड में है लेकिन एक्टिविटी जो है वो बुलिश है, क्योंकि प्राइस ने पिछला जो क्लोजिंग है उसके आसपास में ही क्लोज हुआ है प्राइस, राइट। तो ये जो एक्शन है इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। हम हमेशा बात करते हैं कि कभी हमें वेट करना पड़ता है कि सपोर्ट अगर एस्टैब्लिश नहीं हुआ है तो वहाँ पर हमें वेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है। ये काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर बन चुका है, जैसे यहाँ पर बना था या यहाँ पर बना था वैसे ही उस प्रकार से बना है। तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अभी ऊपर की तरफ इस प्रकार से जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका टारगेट भी निकाल लेते हैं। टारगेट अगर निकालना है तो सिंपल है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप एज इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई वो टारगेट रख सकते हैं, जिसका लेवल है 1121। अगर हम इसकी डेप्थ नापे, मान लीजिए अगर आप कहीं यहाँ पर परचेस करते हैं और यहाँ तक टारगेट रखते हैं तो 12-13% का टारगेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। 12-13% की पॉसिबिलिटी है करंट प्राइस में एंट्री ले सकते हैं SBI कार्ड के स्टॉक में। स्विंग ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब 10-15 दिन या 20-25 दिन का लगभग आप पकड़ के चल सकते हैं, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप समझ रहे हैं तो उस प्रकार से भी पकड़ के चल सकते हैं। इमीडिएटली ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा स्विंग्स ऐसे ऐसे बना के करके प्राइस ऊपर इस तरफ जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए ये स्विंग्स बने हैं यहाँ पर, स्विंग्स बन के फिर प्राइस ऊपर गया, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है सपोर्ट एस्टेब्लिश हो चुका है। करंट प्राइस पे बाय करें और टारगेट जो है वो यहाँ पर 1123 के आसपास रखे। स्टॉप लॉस ये जो ट्रेंड लाइन है ये डिटरमाइन करेगा आपका स्टॉप लॉस, जिसकी हमने लेवल कही थी 910 की,
वहां पर स्टॉप लॉस रखे, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आप आपके एंड पे कैलकुलेट कर ले। अगर 2:1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस भी, लेकिन उसके बिना आगे मत बढ़िए। अब दूसरा जो स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, और दूसरा जो स्टॉक हमने डिस्कशन के लिया है दैट इज वोकार्ट फार्मा, राइट। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी डाउन ट्रेंड में, हम ये वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पर, और वीकली टाइम फ्रेम में हम ये देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में था अंटिल 2020, लेकिन 2020 के बाद में फार्मा स्टॉक्स और सारे ही स्टॉक जो है वो थोड़ा अपवर्ड मूव दिखा रहे हैं, और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो स्विंग्स बन रहे हैं, ये जो थर्ड स्विंग में अभी प्राइस चल रहा है, राइट। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, और वीकली टाइम फ्रेम जो है वो मीडियम टाइम फ्रेम है हमारा, हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में जो हमें एक ट्रेडिंग सिग्नल देगा, राइट। तो ये है डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ उसको अगर मैं निकाल लूँ, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसका लेवल जो है वो 400 पे है अप्रॉक्सीमेटली, आप समझ सकते हैं 400 के पास ये ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, फिर से एक बार यहाँ देखेंगे तो रेजिस्टेंस लिया है, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, और वहीं से हुआ ब्रेकआउट और फिर से एक बार उसी लाइन के ऊपर में सपोर्ट। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और फिर से यहाँ पर सपोर्ट, राइट। ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में रीटेस्ट भी हम कहते हैं इसको, जो ब्रेकआउट है उसका ये रीटेस्ट यहाँ पर हुआ है 400 के इस लेवल पे। तो मल्टीपल चीज़ें एक ही लाइन के ऊपर में हो रही है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब दूसरा और एक ट्रेंड लाइन जो हमें रीसेंट एक्टिविटी बताएगा वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर टच पॉइंट्स मिल रहे हैं इसी एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है दिस इज एट 540 पे है ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पर देखिए सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, और अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है प्राइस, और प्राइस एग्जैक्टली यहीं पर है अभी, ठीक है। तो दोनों पैटर्न्स में कुछ सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो हुआ था, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस फिर से नीचे आया, और अभी अगर आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे तो देखिए प्राइस इस प्रकार से जाकर के ये जो टॉप बनेगा यहाँ पर ऐसे रेस्ट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हायर केस प्रोबेबिलिटी हमें ये बता रहा है कि ये जो पैटर्न है ये इस प्रकार से, हायर हाइज एंड हायर लोज इसको कहा जाता है, हायर हाइज एंड हायर लोज का ये जो पैटर्न है ये इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या अभी हम करंट प्राइस में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्या ये जो सपोर्ट या फिर रीटेस्ट ऑफ दी सपोर्ट है, पुराना रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, क्या यहाँ पर जो सपोर्ट हमें चाहिए है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, जैसे हमने प्रीवियस स्टॉक में देखा SBI कार्ड में कि सपोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका था कम्प्लीटली, ठीक है। बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर नज़र आ रहा था, थोड़ा उससे कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर वो सिनेरियो फिलहाल नहीं है। एग्जैक्टली आज के दिन में अगर देखेंगे तो वो सिनेरियो यहाँ पर नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 1-2-3 और सेशंस में हमें कुछ इस प्रकार का एक्टिविटी अगर दिखे ग्रीन कलर में, अगर इस प्रकार का ग्रीन एक्टिविटी दिखता है तो फिर ये बाउंस कन्फर्म हो जाएगा और फिर यहाँ से आप हायर टारगेट्स ले सकते हैं। आपका टारगेट जो है वो यहाँ पर रहेगा करीबन 780 के आसपास में, और आपका एंट्री पॉइंट उस केस में अगर आप इस रेंज में कहीं समझते हैं, एंट्री पॉइंट एक्चुअली डिपेंड करेगा उस दिन का कैंडल फॉर्मेशन किस प्रकार से बन रहा है, क्या मोमेंटम आ रहा है, क्या वॉल्यूम्स आ रहा है, उन सारी चीज़ों के ऊपर। बट हम अगर अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चले तो 600 का आप एक बाइंग टारगेट, बाइंग प्राइस लेकर के चल सकते हैं जब एक सपोर्ट जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो 600 से लेकर के अगर हम ये 780 का अगर टारगेट लेते हैं तो कितना परसेंटेज का गेन हो रहा है, एक कैलकुलेट करके देते हैं, 30% का नज़र आ रहा है। 30% तो ठीक है, मतलब नज़र तो आ रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बट स्टिल आप कुछ 10-12% का भी अगर यहाँ पर एम लेकर के चले तो एक अच्छा प्रॉफिट रहेगा, राइट। ऑब्वियसली आप आपके टारगेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर 30% तक ऊपर जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, स्टॉक जा सकता है उतना ऊपर, बट काफ़ी समय लेगा, 10-15% का सोचते हैं, उससे ज़्यादा अगर मिलेगा तो अच्छी ही बात है।
तो ये हो गई बात यहाँ वॉक फार्मा की। और एंट्री पॉइंट जैसे मैंने कहा थोड़ा बुलिश एक्टिविटी होने दीजिए, 600 के आसपास प्राइस आएगा, सपोर्ट कंफर्म होगा वहां पर ले लीजिए। टारगेट मेन आपका ये रखिए, मीडियम टर्म टारगेट ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक लेवल है, तो मीडियम टर्म टारगेट आपका आएगा करीबन 660 या 670 के आसपास में, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ 10-12% का एक प्रॉफिट रहेगा। स्टॉप लॉस को डिटरमाइन करना है, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे रखना है अगर नहीं पता है तो काफ़ी सारे वीडियोज़ है, लर्न एंड अर्न सीरीज के ऊपर में जाइए, वहाँ पर काफ़ी हमने डिस्कशन किया है कैसे आपको ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। बाकी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सेटअप्स और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इंटैक्ट रखिए। स्टडी जो है वो एक जनरलाइज स्टडी है, हर एक के लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी ऐसा नहीं है। आप एक यूनिक ट्रेडर है, अपना यूनिक डिसीजन लीजिए, किसी का कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस टेक्निकल एनालिसिस से कुछ इंफॉर्मेटिव या वैल्यू एडिशन लग रहा होगा उतनी ही चीज़ें लीजिए, हर एक चीज़ और हर एक लेवल और हर एक वैसा का वैसा कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टडी को समझिए, हाई प्रोबेबिलिटी केस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कोई टिप्स कॉल्स या फॉर्च्यून टेलिंग का काम नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी वेरी एंड। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ में। बाकी जैसे मैंने कहा हिंदी का जो पॉडकास्ट है उसको भी रेफर करिए, इंग्लिश का बिटकॉइन, इथीरियम और ये सारे जो क्रिप्टो करेंसीज है इसके ऊपर का हमारा जो टेक है और जो हमारा एक उस चैनल के ऊपर जो हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो भी एक बार चेक करिए। सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इंग्लिश का जो पॉडकास्ट है वो तो एज यूजुअल अच्छा कर ही रहा है। ऑल राइट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड आई विल बी सीइंग यू वंस अगेन। थैंक यू।